हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जॉली है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई टिप लेकर आई हूँ कि हम माइक्रोवेव में दूध कैसे बॉईल कर सकते हैं इन जस्ट हार्डली 11 टू 12 मिनट्स में। ये देखिए, मैंने इसके लिए लिया है ब्रॉसिल का बाउल जो होते हैं कांच वाले, माइक्रोवेव सेफ मैंने वो लिया है। आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ बाउल में अपने मिल्क को बॉयल कर सकते हैं, पर अगर आप कांच का लेंगे तो वो बेटर होगा, आप प्लास्टिक मत यूज़ करिएगा। तो ये देखिए, मैंने ये अपने जो पाउचेज हैं मैंने उसको खोल के डाल लिया है। आप जो भी दूध यूज़ करते हैं बॉयल, जो स्पेशली बॉयल करते हैं आप, वो भी कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक बाउल लिया था, ये ऑलरेडी इतना फिल हो गया था ऊपर तक, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अगर आप एक लीटर हाफ लीटर मिल्क ले रहे हैं तो एक बाउल सफिशेंट है। तो ये मैंने एक लीटर मिल्क लिया तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है माइक्रोवेव में मतलब बॉयल करना, क्योंकि जो माइक्रोवेव है ना बहुत सेफ है और उसमें गिरने का भी बिल्कुल डर नहीं रहता है। आप बस अपने टाइमर को सेट करके रख दीजिए। देखिए, मेरा जो पहले वाला जो मैंने 10 मिनट के लिए सेट कर दिया था, और मेरा जो पहले वाला बाउल है जिसमें ज़्यादा दूध था, वो मेरा 6 मिनट मतलब 6.5 मिनट में मेरा हो गया था, प्रॉपर अच्छे से बॉयल हो गया था, उबलता हुआ दूध था, तो जो मेरे अच्छे से 6.5 मिनट में हो गया था। तो आप कभी 6-7 मिनट में हाफ लीटर मिल्क स्लो फ्लेम पे जो नॉर्मल गैस पे उबाल सकते हैं, उसको भी पूरा टाइम लेता है, वो पूरा 10 मिनट लेता है। और साइडों में कभी कभार तेज, अगर तेज फ्लेम कर दो तो साइडों में वो ब्लैकिश सा हो जाता है, दूध नीचे लग भी जाता है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है और अच्छे से बॉयल होता है, अच्छे से प्रॉपर मलाई आती है इसमें, क्योंकि हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ की है। तो देखिए, मेरा 6.5 मिनट में ना 3 मिनट 20 सेकंड में आपको टाइम दिखा रही हूँ, इस टाइम पे मेरा दूध अच्छे से बॉयल हो गया है। मैंने माइक्रोवेव को खोला, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये अच्छे से बॉयल हो रहा था, उबलता हुआ दूध था। और इसको मैंने निकाल कर अपना दूसरा बाउल डाला जिसमें थोड़ा कम मिल्क था। तो देख रहे हैं आप, ये नीचे कैसे बबल्स आ रहे हैं, तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो मैंने अपना दूसरा मिल्क का बाउल रखा और मैंने 3 मिनट 13 सेकंड पे ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने, जब थोड़ा सा नहीं हुआ था, मैंने इसको दोबारा से सेट किया था। देखिए, इस टाइम पे मेरे अभी तक बॉयल नहीं आया इसके अंदर, मतलब कुछ बबल्स भी नहीं आया, फोम भी नहीं आया। तो मैंने इसको दोबारा से 1.5 मिनट के लिए दोबारा से रखा और ये अच्छे से बॉयल हो गया। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये बॉयल हो सकता है, हमने इसको कोई फंक्शन मोड भी नहीं यूज़ किया, नॉर्मली 10 से 12 मिनट में ही दूध बॉयल हो। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय, टेक।